हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेके आया हूं अभ्यास सीरीज के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो हमने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो आप इसको एक बार चैप्टर को ढंग से पढ़िए, समझिए, है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखते हैं कि कैसे नीट के अंदर एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें समझदारी के साथ उनका आंसर लगाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास सीरीज। तो मेरी आवश्यकता नहीं है तो मैं हो जाता हूँ गायब। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन की बात की गई है। यहाँ पे हम बात करते हैं, तो क्या यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है ना, ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए हुए, हम बात करते हैं यहाँ पे हम तो कोलोकेशिया के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो कोलोकेशिया जो हमारी होती है, हमारी बात करें कोलोकेशिया की, तो कोलोकेशिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फूड स्टोरिंग हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। दूसरा बात करते हैं वाटरमेलन के अंदर हम बात करते हैं हमारा, तो वाटरमेलन के अंदर स्टेम थ्रोन हमें देखने को मिलते हैं हमारा। और ओपुनचिया की बात करें तो ओपुनचिया तो हमारी फ्लैटन स्टेम में बदल जाती है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें देखने को मिलता है हमारा। यूफोर्बिया के बारे में बात करते हैं तो इसमें फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम देखने को मिलता है हमारा, फाइलोक्लेट्स हम इसको बोल देते हैं हमारा। और बोगनविलिया के बारे में बात करें तो बोगनविलिया में क्या होता है, स्टेम टेंड्रिल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम आंसर मिलाएं तो आंसर नंबर हमारा सेकंड सही बैठ रहा है हमारा। देखते हैं आंसर क्या आता है, आंसर नंबर सेकंड आप देख सकते हैं आपके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपोजिट सिंपल लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशंस आल्सो प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे पूछा गया हमारा नीम कैलोट्रोपिस सनफ्लावर और एलेस्टोनिया के बारे में दिया हुआ है। तो हमने लीप के बारे में पढ़ा है हमारा, लीप के में फाइलोटैक्सी के बारे में देखा हमने, फाइलोटैक्सी तीन प्रकार की होती है हम देखा हमने यहाँ पे, एक होती है अलग अलग तीन प्रकार की हम देखना हमारा, अल्टरनेट प्रकार का देखने को मिलता है, अपोजिट देखने को मिलता है और एज ए वोल हमें देखने को मिलता है हमारा बात करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अल्टरनेट के लिए बात करें तो अल्टरनेट हमें देखने मिलता है सनफ्लावर में देखने को मिलता है हमारा, है ना। एलेस्टोनिया की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके एज ए वोल हमें देखने को मिलता है हमारा। और यहाँ पे पूछा गया है अपोजिट लीप के साथ पूछा गया है, तो अपोजिट लीप हमें देखने को मिलती है कैलाट्रोपिस और गुआवा के अंदर, कैलाट्रोपिस और गुआवा विथ रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलता है। तो रेटिकुलस वेनेशन जो है तो हमारा डाइकोट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आना चाहिए, कैलाट्रोपिस आना चाहिए। अगर यहाँ नीम की बात करें तो नीम हमारा क्या है, पिनेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलती है, तो ये नहीं होगा हमारा। सनफ्लावर के बारे में हम बात करें तो उसमें अल्टरनेट टाइप की लीफ देखने और एलेस्टोनिया में एज ए वॉल देखने, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, कैलाट्रोपिस हमारा आंसर आना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम वन सेकेंड और थर्ड को हमें मिलाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन के बारे में बात करते हैं हमारा, तो इसके बारे में हमने पढ़ा है अच्छे ढंग से। इसके अंदर प्रॉप रूट की बात करें तो प्रॉप रूट हमें कहाँ देखना है, बेनियन ट्री में, तो बेनियन देखते हैं, पहले के साथ सी हमारा देखने को मिल रहा है, तो पहले के साथ सी अगर बात करें तो हमारा थ्री एंड फोर्थ दोनों में से कोई ऑप्शन होना चाहिए सीधा सीधा, या फर्स्ट बीच में देखने को मिलता है, पर इसमें आगे देखते हैं हमारा प्रॉप रूट बनियन ट्री। और बनियन ट्री का काम क्या है हमारा, हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे होता है इसको ये एरियल फॉर्म के ऊपर लटके होते हैं ऊपर के ऊपर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सी के साथ फर्स्ट में आ रहा है, तो सी के साथ फर्स्ट में देखने को मिलता है, यानी कि थ्री और फोर्थ में से कोई हमें देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं स्टिल्ट रूट के बारे में बात करते हैं हमारा, तो स्टिल्ट रूट आता है हमारा, स्टिल्ट रूट हमें देखते हैं तो शुगर केन में हमें देखने को मिलता है हमारा, और इसका काम क्या है हमारा, लोअर नोड ऑफ द स्टेम से हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यानी कि हमारा थर्ड आंसर यहाँ पे मिल रहा है हमारा, है ना। यहाँ पे देखते हैं हमारा थर्ड की बात करते हैं, थर्ड मिलाते हैं हमारा न्यूमेटोफोर्स की बात करते हैं, न्यूमेटोफोर हमारा राइजोफोरा में देखने को मिलता है और हेल्प इन गेट ऑक्सीजन, यस ब्रीथिंग रूट बनाती है हमारी, बिल्कुल सही आ रहा है। और फोर्थ अगर हम देखते हैं हमारा ट्यूबरस रूट में, तो ट्यूबरस रूट हमारा स्वीट पोटेटो में देखने को मिलता है, है ना। ये हमारा यहाँ पे हम बात करते हैं
और ट्यूबरस जो हमारा स्वीट प्रोटीन देखने को मिलता है और फूड स्टोरेज का काम करता है। तो आंसर हमारा क्या है, थर्ड आंसर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे बात किया हमारा इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन दिए गए हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे। यहाँ पे जैसे कि स्टोलन के बारे में बात करते हैं, तो स्टोलन जनरली हमें कहाँ देखना, मिंट और जैस्मिन में देखने को मिलता है हमारा। तो जैस्मिन आ रहा है मतलब बिल्कुल सही है हमारा। रनर की बात करते हैं तो ग्राउंड पे चलता है रनर हमारा, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रास स्ट्रॉबेरी और ऑक्सेलिस हमें दिया हुआ है। तो ग्रास स्ट्रॉबेरी तो दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, ऑक्सेलिस कहाँ दिया हुआ है, तो ऑक्सेलिस कहाँ दिया हुआ है, आपने डायग्राम देखे होंगे ना वहाँ पे, वहाँ डायग्राम में ऑक्सेलिस दिया हुआ है वहाँ पे। ऑक्सेलिस जो भी कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के रूप में काम करता है और रूट स्प्रेड करती है यहाँ पे। तो वहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, अगर आपने डायग्राम को ढंग से देखा है तो आपको, तो रनर आपको देखने में तो बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है हमारा। ऑफसेट की बात करते हैं तो ऑफसेट क्या होता है हमारा, रनर का ही रूप है लेकिन जो क्या होता है हमारा वाटर में देखने को मिलता है हमारा। तो हमारे कहते हैं ना पिस्टिया और इकाइनोरिया में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये चीज़ दी नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत होना चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सकर के बारे में। तो सकर क्या होते हैं, ग्राउंड के नीचे से लीफ निकलती है हमारी, जिससे कि हमारा देखने को, तो हमारा देखने मिलते हैं हमारे बनाना, पाइनएप्पल और कैरिजेंथियम के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है हमारा, ऑफसेट हमारा। तो ऑफसेट में हमारा राइजोपोरा नहीं देखना, राइजोपोरा ब्रीथिंग रूट होती है वहाँ पे, है ना, न्यूमेटोफोर्स होते हैं, तो ये नहीं है। तो आंसर हमारा थर्ड आना चाहिए यहाँ पे, ये गलत है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फेबियसी के बारे में बात करते हैं। तो फेबियसी का अगर आपने फीचर, अगर आपका फॉर्मूला अगर आपको मालूम है, तो वहाँ पे सबसे पहले परसेंटेज का साइन दिया हुआ है, यानी कि जाइगोमॉर्फिक होता है। फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर हमने देखे थे, फिर वहाँ पे K5 हमने देखा था जो कि ब्रैकेट में था, है ना, यानी कि वहाँ पे जो कैलिक्स होगा वो कैसा होना चाहिए, गैमोसेपेलस प्रकार का होना चाहिए हमारा। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कोरोला के, हमने देखा था कोरोला का डायग्राम देखा था, अगर उसमें देखेगा तो आप तो 1+2 और +2 और 2 के बाद ब्रैकेट था हमारा, यानी कि यहाँ पे क्या था हमारा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन को बता रहा है और पॉलीपेटेलस कंडीशन बता रहा है हमारा। फिर हमने देखा था वहाँ पे एंड्रोशियम की बात, 9 फ्यूज थे हमारा, +1 हमारा देखने को मिल रहा था, यानी कि 10 एंड्रो का यहाँ पे एंड्रोशियम हमें देखने को मिल रहा है, यानी डाई एडल्फस कंडीशन हमें देखने को मिल रही है हमारी, है ना, दो ग्रुप में हमें बैठे हुए हमारा। और गाइनोशियम की बात करें तो सुपीरियर ओवेरी देखने को मिलती है हमारी, मोनोकार्पेलरी होती है हमारा और यूनिलोक्युलर हमने कंडीशन देखी थी। तो यहाँ पे इन फीचर्स को मिलाते हुए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आंसर यहाँ पे देखते हैं हमारा, तो फ्लोवर जाइगोमॉर्फिक बिल्कुल होता है हमारा, तो 1, 2, 3 में से ये चीज़ मिल रही है, देखते हैं हमारा। फिर बात करते हैं हमारा वैक्सिलरी एस्टिवेशन, तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखें ना 3 और 4 में देखने को मिलता है हमारा, है ना, यह देखने को मिलता है हमारा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं गैमोसेपेलस या गैमोपेटेलस के अंदर, तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा, है ना, यहाँ पे कैलेक्स हमारा कहता है गेमो सेपेलस कंडीशन हमें दिखाई देती है हमारा, क्योंकि फ्यूज थे हमारे 5 थे फ्यूज है। तो आंसर हमारे यहाँ आंसर हमारा थर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फ्लोवर जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है हमारा। वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है, तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन हमारा 3 और 4 में देखने को मिल रहा है हमारा, है ना। और गैमोसेपेलस कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, यानी गैमोसेपेलस यहाँ पे 4th में क्या है, गैमोपेटेलस देखने, तो गैमोपेटेलस कंडीशन नहीं होती, यहाँ पे पॉलीपेटेलस कंडीशन हमें देखने को मिलती है हमारी। इसलिए आंसर क्या आना चाहिए, आंसर नंबर हमारा थर्ड यहाँ पे आंसर देखने को मिलना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट, पूछा गया है यहाँ पे, करेक्ट बताना हमें। तो एडवेंटियस रूट आर प्रेजेंट इन ओनली डाइकोट प्लांट, नहीं, एडवेंटियस रूट आपके डाइकोट और मोनोकोट दोनों में ही हमें देखने को मिलती है। इन पी प्लांट है ना टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड्स के अंदर, नहीं, तो पी प्लांट के अंदर हम बात करें तो लीप का मॉडिफिकेशन होता है वहाँ पे, लीप हमारी चेंज होती है टेंड्रिल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा। एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन देखें तो स्टेम में देखने को मिलता है, और ये हमें क्या ना कुकुम्बर में देखने को मिला, पंपकिन में देखने को मिलेगा, वाटरमेलन में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। तो आंसर हमारा सेकंड भी गलत है हमारा, है ना, ऑप्शन सेकंड गलत है। थर्ड की बात करें तो फाइबर रूट सिस्टम सीन इन द वीट प्लांट, बिल्कुल सही बात है, वीट प्लांट में देखने को मिलता है हमारा, है ना। इन सिट्रस प्लांट्स एक्सिलरी बर्ड्स
ऑफ स्टेम मॉडिफाइड इन टू द थ्रोन, बिल्कुल सही बात है, देखना। तो ये आंसर हमारा क्या देना, थर्ड एंड फोर्थ हमारे सही आंसर। तो आंसर हमारा यहाँ पे सेकेंड आंसर में देखने को मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे देखते हैं क्या है था। यस, तो यहाँ पे मिलाया गया हमारा पिन ऑप्शन देख लेते हैं हमारे। यस, पिनेटली कंपाउंड लीप हमें देखने की बात करें तो पिनेटली कंपाउंड लीप हमें नीम में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन मिलाते हैं। थर्ड हमें देखने को मिल रहा है, पहले का थर्ड आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्री और फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए हमारा। फिर पामेटली कंपाउंड की बात करते हैं, सिल्क कॉटन में हमें देखने को मिलता है हमारा, तो फोर्थ देख बी का हमारा फोर्थ मिलना चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। देखते हैं आगे, सिंपल लीप की बात करते हैं, सिंपल लीप बनियान में देखने को मिलती है हमारी, देखने को मिल रही है हमारी। और मॉडिफाइड लीप हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर देखने को मिल रहा है, तो आंसर हमारा फोर्थ यहाँ पे होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द प्लेसेंटेशन इन ऑनियन दिया हुआ है हमारा। तो यहाँ पे चार डायग्राम दिए हुए हैं हमारा, तो पहला हमारा दिया हुआ है, देखो ऑप्शन देखो, फ्री सेंट्रल का हमारा दिया हुआ है। फ्री सेंट्रल हमें किसमें देखने होता है, डायंथस और प्रिमरोज में देखने को मिलता है हमारा। दूसरा हमारा पेराइटल दिया हुआ है, पेराइटल हमें किसमें देखने को मिलता है, मस्टर्ड और आर्जीमोन में देखने को मिलता है हमारा। थर्ड हमारा एक्सिल दिया हुआ है, एक्सिल हमारा चाइना रोज टोमेटो और लेमन में देखने को मिलता है हमारा। और फोर्थ हमारा बेसल दिया हुआ है, बेसल किसमें देखने होता है, सनफ्लोर और मैरीगोल्ड में देखने को। पर हमारा ऑप्शन तो आता नहीं है, हमारा ओनियन के बारे में पूछा गया है यहाँ पे हमारा, है ना, यहाँ पे और एनसीईआरटी में जो है उससे मिल नहीं रहा है, तो कहाँ मिलेगा हमें यह। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है और वहाँ पे आपने अपने फैमिलीज के बारे में पढ़ा हुआ है आपने, है ना, तो फैमिलीज में देखा हो तो एलियम सिका का डायग्राम में दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है, लीलियसी फैमिली के अंदर दिया हुआ है आपको। तो लीलियसी फैमिली में अगर प्लेसेंटेशन की बात करते हैं तो कैसा होता है, एक्सिल होता है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको जब डायग्राम को समझने की बात की थी ना, डायग्राम को देखोगे तो वहाँ पे आपको ट्राइकार्पेलरी ओवरी दिखाई दी थी आपको वहाँ पे देखने को। तो आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, समझिए, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है भाई। तो यहाँ पे एक्साइल प्रेजेंटेशन हमें कौन सा आ रहा है हमारा, थर्ड। तो ऑनियन में कौन सा देखना हमारा, थर्ड इज द आंसर हमें देखने को मिलता है हमारा, आंसर नंबर इज थर्ड हमारा आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट्स। तो प्राइमरी रूट्स होती है, इसकी जो ब्रांच होती है वो क्या बनाती है हमारी, टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शियरी में मिलकर क्या होता है, टैप रूट सिस्टम बनता है हमारा। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, सेकेंड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, टैप रूट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड के बारे में पूछा गया, टैप रूट सिस्टम के बारे में पूछा गया हमारा। तो यहाँ पे पूछा हमारा फर्स्ट ये स्वीट पोटैटो के बारे में, तो स्वीट पोटैटो क्या होती है, रूट का मॉडिफिकेशन तो है पर ये कैसा हमारा एडवेंटियस रूट है हमारी, कैसी हमारी ये एडवेंटियस रूट में देखने को मिल रहा है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा राइजोफोरा के बारे में, तो राइजोफोरा में क्या होता है, रेस्पिरेटरी रूट मिलती है हमारी, ब्रीथिंग रूट देखने में। पोटैटो में देखते हैं तो पोटैटो क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है और फूड स्टोरेज करने का काम है। और जो टर्निप है हमारा, ये टैप रूट सिस्टम है और फूड स्टोरेज का काम करता है हमारा बात। तो आंसर हमारा क्या देखने का मिलता है हमारा, टर्निप हमें आंसर देखना जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है हमारा, आंसर इज सेकंड बात करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम इन विच सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्चेस डाउन टू टच इट्स ग्राउंड। तो आर्चेज के रूप में क्या होता है हमारा, ये यहाँ पर स्टेम का आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है वहाँ पे। तो यहाँ पे इसको देखने को मिलता है हमारा, आंसर की बात करते हैं तो ये किस प्रकार का होता है हमारा, ऐसा स्टोलन में हमें देखने को मिलता है ना, स्टोलन टाइप में। और स्टोलन का आंसर देखिए हमारा किसमें, मिंट और जैस्मिन में देखने को मिलता है हमारा। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन हमारा स्टोलन हमारा, इसका आंसर देखने को मिलता है हमारा। तो स्टोलन इज द आंसर, स्टोलन देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट की बात करते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं हमारे। तो अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं किसके अलावा, तो पोटैटो है, कोलोकेशिया और जमीकन, तीनों अंडरग्राउंड में हमें देखने, पर शुगर कैन क्या होता है, एरियल मॉडिफिकेशन हमें देखने है। तो शुगर कैन इसका आंसर नहीं होना चाहिए हमारा, और ये आप खुद भी समझ सकते हैं हम इसको। अकॉर्डिंग टू गिवन बिलो डायग्राम फाइंड आउट द टाइप ऑफ फ्लावर एंड पोजिशन ऑफ द ओवेरी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको ओवेरी आपको देखेंगे तो आपको देखिए ओवेरी
ऊपर रखी हुई, और बाकी सारे जो जो वॉल्स हैं, फ्लोरल वॉल्स हैं, वो नीचे की तरफ हैं। यानी ओवेरी कैसी है हमारी, सुपीरियर ओवेरी होना चाहिए। और इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन भी बोलते हैं इसको हमारा। तो कैसा होगा हमारा, थर्ड इज द आंसर हमारा, हाइपोगाइनस और सुपीरियर ओवेरी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, हमें आंसर इसमें देखने को मिलता है हमारा। तो आंसर इज थर्ड इसका आना चाहिए हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया था कि जो लीफ बेस के ऊपर एक स्पेशल सी इसको कवर, बर्ड को कंट्रोल कवर करते हुए एक लीफ निकलती है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, स्टिप्यूल्स नाम दिया था। तो जो ऐसे प्लांट जिसमें स्टिप्यूल्स होते हैं उन्हें स्टिपुलेटेड प्लांट्स बोलते हैं, स्टिपुलेटेड लीफ बोलते हैं। तो हमें किसमें देखना, फेबियसी फैमिली में देखने को मिलता है। और जिसमें नहीं होती है उसे क्या होता है, एक्स स्टिपुलेटेड लीफ बोलते हैं, जो कि सोलेनेसी या लिलियसी फैमिली में हमें देखने को मिलता है। तो आंसर इज थर्ड, हमें इसमें देखने को मिलता है, स्टिप्यूल्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट बात करते हैं पी, यानी पी का मतलब होता है पेरियंथ को बोलते हैं, जब कैलेक्स और कोरोला क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं होता है हमारा, है ना। यहाँ पे इनको जो सेपरेट, उनको टेपल्स बोलते हैं। इनके जो टेपल्स का क्या होता है हमारा, गुच्छा है एक प्रकार का, वोल बन रहा है हमारा। और पेरियंथ जो होता है हमारा, किससे फ्यूज हो गया हमारा, एंड्रोसियम के साथ फ्यूज हो रहा है हमारा, है ना। फ्यूजन को शो करता है हमारा, शो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन को शो कर रहा है हमारा। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, जब एंड्रोसियम जो होते हैं हमारे पेरियंथ के साथ फ्यूज होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एपिफाइलस कंडीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एपिफाइलस कंडीशन। मैंने आपको बताया लिखा है आपको। तो यहाँ पे एंड्रोसियम कार्पल फ्यूज हो गया हमारा, यानी पेरियंथ के। तो ऐसा किसमें देखने मिलता है, लिली में हमें देखने को, लिली फ्लावर देखने मिलता है। पहला बार बता रहा एपिपेटलस कंडीशन दिखा देगी हमारा। यहाँ पे क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है हमारा, पेटल के साथ फ्यूज होता है। तो जनरली ये ब्रिंजल में हमें देखने को मिलता है। और एपिकैलेक्स हमारा, यानी कि हमारा जो हमारा कैलेक्स के साथ फ्यूजन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे देखो, तो हमारा आंसर क्या था हमारा, एपिफाइलस कंडीशन हमें देखने को, तो लिली में हमें देखने को, आंसर इज सेकेंड हमें शो कर रहा है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा, एसिमेट्रिकल फ्लावर इज फाउंड। तो एक ही ऑप्शन हमारा उसमें दिया हुआ है, हमारा कैना दिया हुआ है, साफ सुथरा आंसर है। तो कैना में आप इसमें देख सकते हैं हमारा, है ना। सिमेट्री की बात करें तो जाइगोमॉर्फिक यानी कि बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, जो हमारा पी, गुलमोर, बीन और केशिया में देखने को मिलता है हमारा। एक्टिनोमॉर्फिक की बात करें, रेडियल सिमेट्री होती है हमारे मस्टर्ड, डतूरा और चिली में देखने को मिलता है हमारा। और एसिमेट्रिकल ओनली कहना, तो आंसर इज फोर्थ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया जाइगोमॉर्फिक यानी बायलेटरल किसमें देखने को मिलते हैं हमारा, पी में देखने को मिलता है, गुलमोर में देखना, बी में देखना और केसिया में देखने को मिलता है। चार हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद मस्टर्ड, धतूरा, चिली हमारे किसके हैं, एक्टिनोमॉर्फिक कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहा, चार मिल रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा, थर्ड, यानी हमारा थर्ड आंसर देखने को मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन की, इन कोकोनट और मैंगो द फ्रूट इज नोन एज। तो मैंगो, कोकोनट और मैंगो में साफ लिखा हुआ है हमारा किस तरह का, ड्रूप फ्रूट होते हैं हमारे, किसमें देखने, हमारा ड्रूप फ्रूट हमें देखने को मिलते हैं। ड्रूप फ्रूट की बात करें तो ड्रूप फ्रूट आपको आम में, है ना, बेर के अंदर, नारियल के अंदर, अखरोट के अंदर, बादाम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं हमारा। यहाँ बात करते हैं बेरी फ्रूट। बेरी फ्रूट क्या होते हैं, एक प्रकार के फ्लैशी फ्रूट होते हैं, जिसके सीड जो होते हैं ना, उसके गूदे के अंदर, जो उसके अंदर जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है ना, उसके अंदर हमारा जो उसमें ना धसे हुए होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए टोमेटो में देख सकते हैं, ब्रिंजल में देख सकते हैं, ग्रेप्स में आप देख सकते हैं हमारा, है ना। यहाँ पे दिया हुआ हमारा पोड फूड। पोड क्या होता है, डेहीसेन टाइप के फूड होते हैं, है ना, स्फुटित हो सकते हैं हमारा, है ना। और फलीदार बोलते हैं इसको, पोड का मतलब फलीदार। तो फलीदार में क्या देखना, मटर में देखने को मिलेगा, सेम में देखने को मिलेगा, उड़द, मूंग और अरहर जैसी चीज़ों में। समारा, समारा क्या चीज़ है, ये ड्राई फ्रूट होते हैं और इनडेहेसेंट प्रकार के होते हैं, अस्फुटनशील होते हैं हमारा। उसमें पंखदार फल होते हैं, जिसके अंदर एक या दो बीज हमें देखने को मिलते हैं। तो ये किस में देखने को मिलते हैं हमारा, आपको होलोप्टेलिया के अंदर देखने को मिलता है, डायोस्कोरिया के अंदर देखने को मिलता है। हमारा तो पूछा है, सीधा सा बात है, हमारा दूसरा किसी में जाना ही नहीं है इतने ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए। सीधा हमारा कोकोनट और मैंगो पूछा है, हमें एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है हमारा, यानी कैसे होते हैं, ड्रूप फूल होता है, यानी कि अस्टिल टाइप के फूड हमें देखने को मिलते हैं। तो आंसर हमारा सीधा सीधा आ जाता है यहाँ पे, आंसर थर्ड हमें देखने को मिलते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि दूसरा हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे। फॉलोइंग सीड अदर डाइकोट एक्सेप्ट की बात कहते हैं, तो कौन से सीड हमारे डाइकोट हैं, छोड़ के किसको। तो डाइकोट हमें देखते हैं हमारा, तो डाइकोट में हमारा कास्टर, पपाया और कॉटन हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना। बीन, पी, ग्राम, ये भी डाइकोट है हमारा।
मोनोकोट में बात करते हैं हमारा, तो मोनोकोट में क्या आता है, मेज प्लांट आते हैं हमारे, तो मेज हमारा आ गया, तो मेज हमारा ये होगा ही नहीं हमारा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, एग्जांपल राइस हमें देखने को मिलता है, वीट हमें देखने को मिलता है, कोकोनट हमें देखने को मिलता है ना, और बाजरा हमें देखने को मिलता है, तो हमारा सीधा आंसर निकल के आता है मेज। और यह डायग्राम में भी ने दिया हुआ सीधा सीधा हमारा मोनोकोट के मोनोकोट के डायग्राम में हमें दिया हुआ वहाँ पे, तो आंसर हमारा निकल के आ रहा है फोर्थ इज मेज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉलोइंग फ्लावर डायग्राम ऑफ द विच ऑफ द प्लांट। तो फ्लावर डायग्राम मैंने आपको तीनों आपको देखना आपको बताया था, फ्लावर डायग्राम को पहचानना आपको देखने को मिलता है। हमने डायग्राम फ्लोरल जब फॉर्मूला लिखा था हमने, तो G1 लिखा था फेबेसी फैमिली के लिए, G2 लिखा था हमारा किसके लिए सोलेनेसी फैमिली के लिए हमारा, और G3 लिखा था हमारा लिलियसी फैमिली के लिए। तीनों डायग्राम को पहचानना भी मैंने आपको सिखा दिया था आपको, G1 आपको देखने को बताया, सिंगल आपको बेसल टाइप पे देखने को मिलती है हमारी, G2 हमारे बाई कार्पेलरी टाइप देखने, दो हमारे इसमें लोक्यूल देखने मिलते हैं, और इलियसी में ट्राई लोक्यूल होता है, तीन हमें एक्सेल टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या देख रहा है, दो लोक्यूल देख रहे हैं, G2 हमें हमने देखा वहाँ पे देखा था हमने, तो ये क्या होना चाहिए हमारा सोलेनेसी फैमिली का हमारा डायग्राम होना चाहिए हमारा, है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, ये किसका इसके एग्जांपल पूछे गए हैं, सेस्बीनिया लुपिन अश्वगंधा और एस्पेरेगस दिया हुआ है। तो सोलेनेसी क्या होती है हमारी, पोटेटो फैमिली होती है, जिसके अंदर क्या आते हैं टोमेटो ब्रिंजल पोटेटो चिली हमें देखने को मिलता है हमारा। इसके अलावा हमारी मेडिसिन के रूप में बेलाडोना और अश्वगंधा देखने को मिलता है, तो आंसर हमारा निकल के आ रहा है अश्वगंधा, यहाँ पे हमें इस पर देखने को मिल रहा है हमारा। फिर इसके अलावा टोबेको पिटूनिया भी इसके अंदर देखने को मिलता है हमारा। सेस्बीनिया के बारे में हमें पढ़ा है कि फेबेसी में आता है, लूपिन भी किस में आता है, फेबेसी में आता है हमारा देखने को मिलता है। और एस्पेरेगस की बात करें तो ये मेडिसिनल प्लांट है किसका, लिलियसी का, है ना, एस्पेरेगस एलोय उसके एग्जांपल होते हैं। तो एग्जांपल हमारा आंसर सीधा निकल के आता है अश्वगंधा, इसमें देखने को मिलता है आंसर नंबर इज थर्ड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। आइडेंटिफाई ए बी सी इन द डायग्राम गिवन बिलो में देख रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, मैंने भी आपको बताया आपको सिंपल सा, अगर आप बिल्कुल आपको याद है आपको तो अच्छी तरीके से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो ए हमें क्या था लेमिना देखने को मिल रहा है, बी हमारा क्या था स्टिपुलेटेड फ्लाम हमें देखने को मिले थे हमारा फेबेसी फैमिली के अंदर, और सी हमारा पिटियोल है जो हमारा लेमिना को स्टेम से अटैच करने का काम करता है। तो आंसर इज हमारा थर्ड हमारा सीधा सीधा निकल के आता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इन द गिवन ब्लो। तो फाइलोटैक्सी हमारी दी गई है, आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए हमारा, है ना। तो यहाँ पे क्या देखना मिलता है, ए अल्टरनेट टाइप का हमें देखने को मिल रहा है ना, बी हमारा अपोजिट देखने को मिल रहा है हमारा, और सी हमारा एज ए वोल देखने को मिलता है हमारा। तो सीधा तीनों एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं हमारा, आंसर इज फोर्थ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा पूछा गया है आर द इंटरनोड लॉन्ग रनर्स यूजुअली फाउंड इन रोसेट प्लांट एट द अंडरग्राउंड, है ना, वाटर में रोसेट ऑफ द प्लांट और टॉप ऑफ द रूट्स हमें देखने को मिलता है हमारा। तो सीधा सीधा इसमें देखने को ऑफसेट में हमें ऐसा देखने को मिलता है हमारा, तो ऑफसेट इसका एकाइनोरिया है ना, इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, बटर हाई केन्त हमें देखने को मिलते हैं। तो सीधा सीधा हमारा आंसर में सेकेंड निकल के आता हमारा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फ्लावर इन द गिवन डायग्राम के अंदर, तो बड़ा सिंपल सा आपको देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम को आपको देखना है आपको यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट आपका कैलिक्स देखने को मिलेगा, दूसरा आपके कोरोला देख रहे हैं, तीसरा आपको गाइनोसियम देख रहा है, चौथा आपको एंट्रोसियम देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सा है आंसर नंबर इज थर्ड सेकेंड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको सीधी से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इन द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्रूट के बारे में, तो ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए क्या हमारा एपिकार्प है बिल्कुल दिख रहा है हमारा, बी हमारा क्या है मीजोकार्प है हमारा दिख रहा है, सी क्या है सीड को शो कर रहा है हमारा, और डी क्या है एंडोकार्प को शो कर रहा है आपको। तो चारों देख रहे हैं, तो आंसर यहाँ पे हमारा फोर्थ हमारा सीधा सीधा मैच कर रहा है। ओके यस, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जिसको हमने देखा, हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा और उससे संबंधित क्वेश्चंस को देखा किस प्रकार से एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।